तो स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल नॉलेज हिंदी में। तो दोस्तों सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट करो क्योंकि तुम्हारा ही चैनल है। तो आज जानेंगे सी टर्टल्स के बारे में। सी टर्टल्स की 7 प्रजातियां हैं, लेदरबैक, ग्रीन, हॉक्सबिल, लॉगरहेड, ऑलिव रिडली, कैम्स रिडली और फ्लैटबैक। सी टर्टल्स 10 करोड़ सालों से इस दुनिया में मौजूद हैं, डायनासोर से भी पहले से। 1000 बच्चों में से बस एक बच्चा बड़ा होने पर जिंदा रह पाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जानवर उनका शिकार करते हैं, जैसे परिंदे, झींगे, मछलियाँ और रैकून्स जैसे जानवर। लेकिन मादा कछुआ अपनी ज़िंदगी में हजारों अंडे देती है, जिनमें से कुछ तो बच ही जाते हैं, जिससे उनकी प्रजाति चलती रहती है। और कछुए मेल होंगे या फीमेल होंगे वो डिपेंड करता है कि उनके अंडे किस टेम्परेचर पर रखे हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 22 डिग्री से 27 डिग्री पर अंडे रखे हुए थे तो उनमें से मेल कछुए निकलेंगे, और अगर 30 डिग्री के ऊपर अंडे रखे हुए थे तो उनमें से फीमेल कछुए निकलेंगे। सिर्फ कछुए नहीं, बाकी रेप्टाइल्स में भी यही होता है। रेप्टाइल्स मतलब सांप, छिपकली, मगरमच्छ वगैरह वगैरह। और खाने में सी टर्टल्स की हर प्रजाति अलग अलग फूड प्रिफर करती है। मतलब लेदरबैक्स मोस्टली जेलीफिश खाते हैं, ग्रीन टर्टल्स मोस्टली सी ग्रास खाते हैं, लॉगरहेड्स को झींगे बहुत पसंद है और हॉकबिल्स ज़्यादातर सी स्पॉन्जिस खाते हैं। इन कछुओं में जो लेदरबैक्स और लॉगरहेड्स टाइप के जो कछुए हैं वो हजारों किलोमीटर्स का सफ़र तय करते हैं हर साल। लेकिन ग्रीन्स और ऑलिव रिडलीस इतना लंबा सफ़र नहीं करते, छोटा छोटा सफ़र करते हैं, और हॉक्सबिल तो शायद ही कभी अपने इलाके से बाहर निकलते हैं। सी टर्टल्स पानी में सांस नहीं ले सकते, लेकिन आमतौर पर वो 1 घंटे तक अपनी सांस रोक सकते हैं। लेकिन कोई कछुआ अगर जाल में फंस गया तो घबराहट की वजह से कुछ ही मिनटों में उसका ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, और अगर सरफेस तक नहीं पहुंच पाया तो डूबने से उसकी मौत हो जाएगी। और इन सी टर्टल्स की 7 प्रजातियां या तो थ्रेटन्ड है या एंडेंजर्ड है। थ्रेटन्ड मतलब फ्यूचर में उस प्रजाति को लुप्त होने का खतरा हो सकता है, और एंडेंजर्ड मतलब वो प्रजाति ऑलरेडी खतरे में है, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब इतना खतरा कि किसी भी समय वो प्रजाति इस दुनिया से लुप्त हो सकती है। ओह माय गॉड। और इन सब की वजह इंसान ही है, क्योंकि हम लोग ही कोस्टल डेवलपमेंट के नाम पर इनके अंडे देने और रहने की जगह को बर्बाद कर देते हैं। समंदर में जाल बिछाते हैं, समंदर में प्लास्टिक और दूसरा जहरीला कचरा डालते हैं। तो अगर इंसानों ने अपने आप को नहीं सुधारा तो बहुत सारी प्रजातियां पहले भी लुप्त होती आई हैं और आगे भी लुप्त होती रहेंगी। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।